टू माई चैनल दिस इज श्वेता कृपलानी दोस्तों मैं सॉरी बोलती हूँ मैंने बहुत काफ़ी टाइम से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर किए हैं आज मैं आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया है कि जो सेंटर्स में लाइन होती है रोड्स पे उनका मीनिंग क्या होता है हमने देखी है येलो लाइन रहती है वाइट लाइन्स रहती है ब्रोकन लाइन्स रहती है वाइट येलो तो उनका मतलब आज हम इस वीडियो में देखेंगे ये है वो रोड लाइन्स जो आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट है सेंटर ब्रोक इन वाइट लाइन ये लाइन का मतलब होता है कि हम ओवरटेक कर सकते हैं गाड़ी को आगे हमारे अगर कोई गाड़ी रहे तो हम ओवरटेक कर सकते हैं सेफली uh, आगे पीछे देख के सब तरफ देख देख के हम क्रॉस कर सकते हैं या ओवरटेक कर सकते हैं एंड ये स्मॉल हाईवेज़ पर रहती है जनरली स्मॉल रोड्स रहते हैं वहाँ पे और ये लाइन का और और एक मतलब होता है कि ये टू वे ट्रैफिक्स होता है एंड uh, इनके बीच में गैप ज़्यादा रहती है एंड लाइंस छोटी छोटी रहती है सेकंड है लेन लाइंस ये आप देख सकते हो क्लियर पिक्चर में कि छोटी लाइंस एंड गैप बहुत ज़्यादा है ये लाइन का मतलब होता है कि ये वन वे ट्रैफिक लाइन है मतलब जो गाड़ियाँ सिर्फ जा सकती हैं या तो फिर वापस आ सकती है या टू वे ट्रैफिक नहीं होता है ये रोड पे थर्ड है हज़र्ड वार्निंग लाइन इसका मतलब है ये आप देख सकते हो पिक्चर में लॉन्ग लाइंस है और पतली है एंड गैप भी कम है तो ये लाइंस जनरली इंडिकेट किया जाता है कि आगे कोई आ, हज़र्ड मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है एनिमल्स होता है या तो फिर एक्सीडेंट्स होते हैं तो फिर ये लाइन वो इंडिकेट करते हैं साइंस भी लगा दिए जाते हैं कोई अगर हजरड रहा तो फैक्ट्रीज रहा तो मतलब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ट्रैफिक में वो साइंस रहते हैं एंड ये लाइन वो भी इंडिकेट करते हैं फोर्थ है सेंटर डबल येलो लाइन ये लाइन का मतलब है कि आप ओवरटेक तो, नहीं कर सकते हो आप देख सकते हो फोर लाइंस रोड है ये एक्चुअली एंड जो रेड कलर की कार है वो ओवरटेक नहीं कर सकती है येलो लाइन क्रॉस नहीं कर सकती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने साइड ही रहें ओवरटेक ना करें ओवर क्रॉस ना करें येलो लाइन फिफ्थ है लॉन्ग रेक्टेंगुलर साइन आपने ये रूरल एरियाज जहाँ पे ट्रैफिक बहुत सारा रहती है या गांव में आपने ये साइंस देखी होगी इसका मतलब ये है कि आगे हमें ट्रैफिक में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स उप, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कोई आ, Um, जैसे कि लेन्स होती है बहुत सारी वो रोड पे तो हमें धीरे धीरे गाड़ी चलानी पड़ती है जैसे कोई बीच में ना आए और ये आप देख सकते हो ब्लैक लाइन बैंड हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हमें वो रोड पे वो साइड ही रहना पड़ेगा वो साइड से हम गाड़ी नहीं चला सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फोगेट टू सब्सक्राइब माई वीडियो गाइज एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो गिव थम्स अप थैंक यू वंस अगैन